एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी महंगे बिजली बिलों से बहुत दुखी है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आम आदमी पार्टी को बेहद प्यार और सम्मान मिल रहा है, काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और उसकी वजह है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नेंस। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया है और उसी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लोगों को बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने नहीं पड़ते, वहाँ ज़ीरो बिल आते हैं। तो वैसे में आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल ज़ीरो हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल ज़ीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यानी कि 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल ज़ीरो आने लगेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, ये व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत दुखी है, उसकी फसल के दाम तो योगी सरकार ने बढ़ाए नहीं लेकिन उसकी बिजली बहुत महंगी कर दी योगी जी की सरकार ने। तो आज मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि आप सब मिलके आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को खेती के लिए बिजली की कोई दाम नहीं देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के हर एक किसान के लिए खेती के लिए बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे, वो चाहे कितनी भी बिजली कंज्यूम कर रहा है। ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि लोगों से बिजली के बिल नहीं चुकाए जा रहे। किसी के घर 1 लाख का बिल आ रहा है, किसी के घर 1.5 लाख का बिल आ रहा है, 10,000 की तनख्वाह है बेचारों की, 5,000 रुपये किसी तरह से कोई दुकान चला के कोई कमाता है, उनके बिजली के बिल 1-1.5 लाख रुपये आने लगे हैं। अब सरकार कहती है कि या तो वो लोग बिजली के बिल भरें, नहीं तो सरकार उनको अपराधी मानेगी या फिर वो लोग सुसाइड कर लें। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे केस हैं जहां पर एक आम आदमी ने बिजली के महंगे महंगे बिल देख के सुसाइड कर लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भेज रखे हैं और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है, योगी जी की सरकार उनको अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि घबराना मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बनकर चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा, सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं हैं, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है, वो पार्टी है जो बिजली महंगी करके अपना चंदा जुटाती है। खाली ये नहीं है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए बिजली फ्री और बकाया बिल माफ नहीं है, खाली 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो। आम आदमी पार्टी की ओर से आज अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक गारंटी दी है जो अपने आप में बहुत बड़ी गारंटी है। गरीब के घर में रोशनी हो, 300 यूनिट तक उसको बिजली फ्री मिले, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में की जाएगी, 38 लाख लोगों का जो बकाया बिजली का बिल है, आपसे केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी की गारंटी है, मनीष सिसोदिया जी ने अभी उसका ऐलान किया
वो 38 लाख लोग अपने बकाया बिल फाड़कर फेंक देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे बकाया माफ किए जाएंगे।